लॉज को प्रतिपादित किया है। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका सुकरात आईएएस में दोबारा स्वागत करता हूं। यह जीव विज्ञान श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। आइए देखते हैं जीव विज्ञान के बारे में कि किस प्रकार के प्रश्न आरओ में पूछे जाएंगे आपसे। आनुवंशिकी के बारे में देखते हैं कि आनुवंशिकी के जनक, जैसे मैंने आपको बताया कि आनुवंशिकी के फादर ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, उन्होंने तीन लॉज को प्रतिपादित किया है। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे प्रभाविकता का नियम कहते हैं, और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको पृथककरण का नियम कहते हैं, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। एक बार इसे हम समझ लेते हैं कि प्रभाविकता का नियम क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि यदि कोई भी ऐसा आपका करैक्टर है जो डोमिनेंट है, यदि ब्लैक और व्हाइट में डोमिनेंट ब्लैक है तो ब्लैक ही शो करेगा, व्हाइट शो नहीं करेगा, यह है प्रभाविकता का नियम। पृथककरण का नियम होता है कि अगर हम एक ऑफ स्प्रिंग से दूसरे ऑफ स्प्रिंग पे जाते हैं तो एक दूसरे में वो ब्लैक अलग चला जाएगा, व्हाइट अलग चला जाएगा, या अलग अलग करेक्टर अलग अलग जो है ऑफ स्प्रिंग्स में जाएंगे। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है, असॉर्टमेंट है यहां पे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का मतलब। इसका अर्थ होता है कि दोनों करेक्टर ब्लैक और व्हाइट मिलकर ग्रे नहीं बनाएंगे, दोनों अपने अपने करेक्टर्स को अलग अलग शो करेंगे, ब्लैक और व्हाइट मिलकर ग्रे नहीं बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब है कि इन्होंने कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया, उस टर्म को एक एक करके समझते हैं। एक टर्म है एलील्स। एलील्स का अर्थ होता है जीन्स पे ही जो है, एक जीन्स पे दो करेक्टर्स होते हैं, उन दो करेक्टर्स को, जैसे कान का अगर हम कान की बात करें तो अगर कान छोटे होंगे या बड़े होंगे तो एक ही जीन्स पे दो करेक्टर शो करेगा, और जो डोमिनेंस होगा वही शो करेगा। तो एक जीन्स को, उसको हम एलील्स बोलते हैं, कि जो अलग अलग विपयार्थी रूप, मतलब कि अलग अलग या डिफरेंट जो करेक्टर होते हैं उनको शो करने वाले जीन्स को ही हम एलील्स कहते हैं। अगला है सेक्स लिंक्ड, जो भी लक्षण हमारे सेक्स क्रोमोसोम में पाए जाते हैं उन्हें हम सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम पे जो भी लक्षण पाए जाते हैं उन्हें सेक्स लिंक्ड हम कैरेक्टर्स कहते हैं। जैसे हमें, मैंने आपको पहले बताया होगा कि हमारे यहां 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो जो भी कैरेक्टर्स आपके सेक्स क्रोमोसोम पे उपलब्ध होते हैं या होते हैं उन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स से जुड़े हुए करेक्टर्स कहते हैं, और उन जीन्स को सेक्स लिंक्ड जीन्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो बीमारियां सेक्स पे या सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम पे होती हैं उन्हें जो है सेक्स लिंक्ड डिजीजेस कहा जाता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, बाल्डनेस, गंजापन, हीमोफीलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने की आवश्यकता है। और किसी जीव को किसी लक्षण विशेष के आधार पर उसका परिवर्धन जीन करता है, और क्रोमोसोम ही आधार होता है, बेसिस होता है क्रोमोसोम ही, कि अगर हम किसी करेक्टर को एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में या एक ऑफस्प्रिंग से अगर हम अपने करेक्टर्स को माँ बाप अपने बच्चों में जो है भेजते हैं तो वो क्रोमोसोम ही उसका आधार होता है। तो मतलब अगर हम अपने माँ बाप की तरह दिखते हैं तो उसका आधार कौन है? क्रोमोसोम है। आगे बढ़ते हैं। लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उपार्जित लक्षणों को कहते हैं यूज एंड डिसयूज। उनका कहना था लैमार्क साहब का कि यदि हम किसी एक ऑर्गन का ज्यादा यूज करते हैं तो वो ऑर्गन हमारा ज्यादा स्ट्रांग होता है, और अगर हम उसका कम यूज करते हैं तो जो है वो क्या होता है, कमजोर होता है। इसके लिए उन्होंने चूहों की 20 पीढ़ियों तक जो है पूंछ को काट दिया, और इस तरीके से जो है उन्होंने ये उपार्जित लक्षणों की वंशगति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब आते हैं मलय द्वीप की यात्रा के दौरान चार्ल्स डार्विन ने जो जहाज प्रयुक्त किया था, ये कई बार आरओ के प्रश्न पत्रों में या पीसीएस में पूछा जा चुका है। उस जहाज का नाम बीगल था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक लिखी गई थी, ये चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई थी। ये कुछ फैक्ट हैं, आप इनको याद कर लीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज
जैकैरिस जॉनसन ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। और जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जैनसन ने किया था, जैनसन ने, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद कर लीजिए। जेनेटिक कोड की खोज नीरनबर्ग और अन्य ने किया था, एटॉल ने, नीरनबर्ग ने। सर्वप्रथम कृत्रिम जीन का प्रयोगशाला में संश्लेषण हरगोविंद खुराना साहब ने किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीडल एवं टैटम ने दिया था। उनका उस इस सिद्धांत का अर्थ है कि एक जीन्स ही एक एंजाइम का या एक प्रोटीन का निर्माण करेगी, तो इस वजह से इस सिद्धांत का नाम था एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत। यह बीडल टैटम द्वारा दिया गया था। डीएनए के एक्सरे का एनालिसिस एमएचएफ विल्किंस ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। आनुवांशिक कोड के कुल संभावित जितने जोड़े बन सकते हैं वो 64 है, वो 64 है, ये आपको याद रखना है। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो लॉ है वो संयोजन और सार्वभौमिकता का आनुवंशिक का आधार माना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को जो देने वाले थे वो वाल्टर सैल्यूसन थे, उनका नाम था वाल्टर सैल्यूसन। आनुवंशिकी अध्ययनों में सर्वाधिक अध्ययन जो जिस कीट पे किया गया है वो है ड्रोसोफिला, इस पे मुख्यतः जो अध्ययन किए थे उन्होंने वो टीएच मॉर्गन साहब थे, टीएच मॉर्गन, जिन्हें मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। लिंक्स सहलग्नता या सेक्स लिंक की खोज भी टीएच मॉर्गन ने ही की थी। एक्सरे द्वारा सर्वप्रथम म्यूटेशन की खोज मुलर द्वारा की गई थी। और समान एलील धारण करने वाले जीवों को समजात कहा जाता है या क्लोन्स कहा जाता है। भारतीय भ्रातरनल यमज या पैटर्नल पितृज यमज को जीन का जीन प्ररूप असमान होता है, उनके जीन या एलील्स एक जैसे नहीं होते हैं। पैटर्नल जो ट्विंस होते हैं उनके जीन प्ररूप एक जैसे नहीं होते हैं, असमान होते हैं। मेंडल के नियमों का जो कुछ अपवाद है उसको है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लीथल जीन और जीन इंटरेक्शन, ये मेंडल के नियमों का अपवाद है जिसे आपको याद रखना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं, अगर पिंक है और व्हाइट के बीच में क्रॉस हुआ या रेड और व्हाइट के बीच में तो पिंक कलर के फ्लावर्स आ जाएंगे, तो वो जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। लीथल जीन है कि अगर कोई जीन्स इन जो है इनडोमिनेंट होने के बावजूद भी वो लीथल है तो वो अपना डोमिनेंस शो करेगा, और जब एक जीन दूसरे जीन से इंटरेक्शन शो करते हैं तो उसे जीन इंटरेक्शन कहा जाता है। रक्त में जमाने में सहायक जो फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रॉम्बिन नामक प्रोटीन है उसका निर्माण यकृत में होता है, यकृत मतलब लीवर में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस एग्जाम में पूछा गया है कि फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रॉम्बिन का निर्माण जो प्रोटीन होता है वो कहां पे होता है, तो वो यकृत में होता है। मंगोली जड़ता या मंगोलॉइड रिटार्डनेस बीमारी ट्राइसोमिक है, ट्राइसोमिक मतलब होता है 2X+1, मतलब उनमें क्रोमोसोमों की संख्या एक अधिक होती है। टर्नर सिंड्रोम जो है, टर्नर सिंड्रोम जो वो एक्स क्रोमोसोम में अनियमितता के कारण होती है स्त्रियों में टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है और वो सेक्स क्रोमोसोम में अनियमितता के कारण पाई जाती है। बाकी क्लिफनर सिंड्रोम इसका नाम है, क्लिफनर सिंड्रोम वो X+4 गुणसूत्रों की रचना में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, स्पेलिंग है KLINFLETERS, क्लिफनर सिंड्रोम। बेयर बॉडी के आधार पर लिंग जो है निर्धारण की विधि को एमनियोसेंट्रोसिस कहा जाता है। आइए विषाणु के बारे में पढ़ते हैं। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है। विषाणु की खोज सबसे पहले इवानोस्की ने की थी तंबाकू की पत्ती में 1892 में, और उसको उन्होंने नाम दिया था टोबैको मोजैक वायरस, TMV। वायरस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है पॉइजन या जहर। लुईस पाश्चर ने वायरस को कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम कहा है, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। विषाणु अति परजीवी अकोशिकीय
और न्यूक्लियो प्रोटीन से बने कण हैं। विषाणुओं को हमें एक बात याद रखने की, विषाणु जीवित और लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। वायरस में जो निर्जीवों के लक्षण होते हैं वो क्या है, इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, एंजाइम नहीं होता है, ये श्वसन नहीं करते हैं। ये याद रखने की आवश्यकता है कि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है, एंजाइम नहीं है, ये श्वसन नहीं करते हैं, और इनका इनका कृत्रिम माध्यम में इनका कल्चर नहीं किया जा सकता है। आप इनको आर्टिफिशियली कल्चर इनका नहीं कर सकते हैं। अब इनमें सजीव के लक्षण क्या होते हैं, लिविंग बींग्स के लक्षण क्या है, आइए देखते हैं। ये जीवित कोशिकाओं के अंदर जनन कर सकते हैं। अगर ये एक डेड एनवायरनमेंट में है तो इनमें जो है रिप्रोडक्शन नहीं है, किंतु अगर ये जीवित कोशिकाओं के साथ मिल गए तो उनके आरएनए और डीएनए का इस्तेमाल कर वो क्या करते हैं, वो रिप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं या रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। इनमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, किंतु डीएनए या आरएनए में से एक ही केवल पाया जाता है। हमारे अंदर डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, किंतु इनके अंदर केवल डीएनए या आरएनए, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिए, डीएनए और या आरएनए में से कोई एक पाया जाता है। इनके बाह्य आवरण ये प्रोटीन का बना होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है, कैप्सिड कहा जाता है। इनमें म्यूटेशन भी होता है, अभी कोरोना वायरस है जो म्यूटेट हो रहा है, जैसे जैसे धीरे धीरे वो इवॉल्व कर रहा है अपने आप को, इसका एक उदाहरण ले सकते हैं। परपोषी या पैरासिटिक कैरेक्टर के आधार पर हम वायरस का वर्गीकरण कर लेते हैं कि जो है किसके किसके ऊपर ये अपने किसको होस्ट बनाते हैं। इसके आधार पर हम वायरसेस को तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्लांट वायरस होते हैं जिनको हम पादप विषाणु कहते हैं, ये मुख्यतः इनमें न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए पाया जाता है। दूसरा है एनिमल वायरस, इनमें डीएनए आरएनए दोनों पाया जा सकता है, ये एनिमल के ऊपर एनिमल को होस्ट बनाते हैं। दूसरा बैक्टीरियोफेज होते हैं, ये बहुत हमारे लिए लाभदायक होते हैं जो कि बैक्टीरिया को खाते हैं, इनका उदाहरण टी टू फेज है। अब आते हैं प्लांट वायरसेस के बारे में, इनमें आरएनए पाया जाता है, इनका उदाहरण टोबैको मोज़ेक वायरस है। और एनिमल वायरस का इन्फ्लुएंजा है, कोरोना वायरस है, एचआईवी है, ये सभी जो है क्या है, किसके उदाहरण है, आपके एनिमल वायरसेस के। बैक्टीरियो जो फेज है इसकी खोज ईडब्ल्यूटी वाट एंड फ्लेक्स डी हर्ले द्वारा की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें डीएनए पाया जाता है, बैक्टीरियो फेज में डीएनए पाया जाता है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। ये बैक्टीरियल सेल का उपयोग जनन या रिप्रोडक्शन हेतु करते हैं। अब आते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को की खोज जोसुना लेडरबर्ग द्वारा की गई थी 1952 में। प्लाज्मिड में केवल डीएनए पाया जाता है और प्रोटीन कोड का अभाव होता है, इनमें किसी भी तरीके का कैप्सिड नहीं पाया जाता है, केवल न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। प्लाज्मिड को बैक्टीरियोफेज या अन्य बैक्टीरिया से अलग या आइसोलेट किया जा सकता है। एड्स के बारे में हम देख लेते हैं, एड्स को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशेंसी सिंड्रोम, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, टाइपिंग एरर है। एड्स का कारक एचआईवी को माना जाता है जिसको ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस कहा जाता है, या एक रेट्रो वायरस है और इसमें आरएनए पाया जाता है, यह अभी भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फ्रांस के पाश्चर इंस्टीट्यूट में सर्वप्रथम एचआईवी की खोज की गई थी, और किंतु सबसे पहले राइट गैलो द्वारा एड्स की वजह एचआईवी बताई थी। एड्स एक स्टेटस है, एड्स कॉज नहीं है, एचआईवी कॉज है, एचआईवी वायरस से एड्स होता है। एड्स में क्या होता है कि अगर आपको एचआईवी वायरस लग जाता है तो आप किसी छोटी छोटी बीमारियों से भी आप हमेशा, आपकी वो बीमारी ठीक नहीं होती, अगर आपको जुखाम भी हो जाएगा तो उसको महीनों ठीक होने में लग जाएंगे। अब आते हैं एआरटी द्वारा जो है किसका एड्स का उपचार किया जाता है, इसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और जो एड्स की नवीनतम औषधियां हैं, यह हमेशा अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें हाइड्रोक्सीसाइटिडीन है, सूरामीन है, साइक्लोस्पोटीन है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। और अगर आपको ये है तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए वायराइड के बारे में पढ़ते हैं। वायराइड की खोज 1971 में वायराइड की खोज की गई थी टीओडीनर के द्वारा, टीओडीनर, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी जितने खोज करता है वो एक एक नंबर के जरूर आएंगे, ये एक नंबर आपका पक्का करेंगे। और वायराइड सबसे छोटे रोग कारक जो
जीव हैं। ये वायरसेस से भी छोटे होते हैं और इनमें केवल आरएनए पाए जाते हैं। इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को आपको ये वीडियो 2-3 बार अगर आप देख लेंगे तो अपने आप आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी कि आप आधे घंटे में या एक घंटे में पूरे भी क्या करेंगे कि आप रिवाइज कर सकते हैं पूरी साइंस को। अब हम पीरियॉन्स के बारे में बात करते हैं। स्पेलिंग गलत है मगर मैं आपको यहां पर लिख दे रहा हूं क्योंकि टाइपो एरर हो रहा है। पीरियॉन्स के बारे में, पीरियॉन्स की खोज डीसी गैजडूसेक ने की थी जिसके कारण उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। पीरियॉन्स एकमात्र संक्रामक प्रोटीन होते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का जो है न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है, केवल प्रोटीन पाया जाता है। टाइप ऑफ वायरसेस हैं जिसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या है और कैसे कैसे उनसे कौन कौन सी बीमारी होती है। एक है हर्पीस वायरस, हर्पीस वायरस से हर्पीस होती है, और वायरोला वायरस है जिससे स्मॉल पॉक्स होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पैरामिक्सो या रूबेला वायरस से चिकन पॉक्स होता है, मिक्सो वायरस से इंफ्लुएंजा होता है, पोलियो वायरस से पोलियो जो है पोलियोमाइसिटिस से होता है, पैरामिक्सो वायरस मम्स के कारण होता है, और रूबेला वायरस रैबीज वायरस रैबीज के द्वारा होता है, और राइनो वायरस से कॉमन कोल्ड होता है। अब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया की खोज एंटी वॉन लीवेनहॉक ने किया था और इनको जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरिया नाम एरन बर्ग द्वारा दिया गया था और रॉबर्ट कोच ROBERT रॉबर्ट कोच द्वारा सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन या आर्टिफिशियली उनका क्या किया गया था, संवर्धन किया गया था। लिस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत दिया था कि जीवाणुओं के अगेंस्ट हम एंटीबॉडी बना सकते हैं, ये किसने बताया था, लिस्टर ने। जिंडर एवं लीडरबर्ग द्वारा लैंगिक जनन की विधि ट्रांसडक्शन की खोज की गई थी। ट्रांसडक्शन इनमें 3 तरीके का जो है पाया जाता है रिप्रोडक्शन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी 1928 में। अब आते हैं जीवाणु संरचना या बैक्टीरिया की संरचना के बारे में बात करते हैं। सबसे बाहर का सेल कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। एक कोश की रचना होती है, यूनिसेलुलर होती है। सेल वॉल के नीचे जो प्रोटीन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है, इनका सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते हैं, याद कर लीजिए। केंद्रक के स्थान पर केवल और केवल डीएनए पाया जाता है। आगे देखते हैं पोषण के आधार पर कि न्यूट्रिशन के ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हम बैक्टीरिया को कितने भागों में बांट सकते हैं। एक है रसायन संश्लेषी या कीमोसिंथेटिक और दूसरा है प्रकाश संश्लेषी या फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक जो कि इनऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं जैसे नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, और प्रकाश संश्लेषी प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जिस तरीके से पौधे बनाते हैं जैसे क्रोमेटियम और रोडोस्पियम। विषम पोषी या हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे इस पोषण के अंतर्गत जीवाणु अपना भोजन दूसरों जीवों से प्राप्त करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वो तो या तो पैरासिटिक तरीके के होंगे, पैराजीवी जैसे जो हमारे ऊपर हम टीबी हुई या कोई और बीमारी हुई टाइफाइड हुई जो बैक्टीरिया से जनित रोग होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। दूसरा सहजीवी या सिम्बायोटिक जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस राइजोबियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फलीदार दालें दलहन के पौधे होते हैं उनके जो जड़ों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन्हें हम राइजोबियम लेग्यूमिने सेरम कहते हैं। अगला है मृतोपजीवी या स्पेरोफिटिक, ये मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस जो दही में पाए जाते हैं वो लैक्टोबैसिलस है, स्पेलिंग की मिस्टेक है, लैक्टोबैसिलस।
जीवाणुओं का आर्थिक महत्व है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं, दूध का दही में परिवर्तन करते हैं और एसिटोबैक्टर एसिटाई से सिरका का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट है भूमि की उर्वरता के लिए। राइजोबियम अधिकतर परती या दलहनी फसलों को हम एक साल के बाद हम उनका उनका रोपण कर देते हैं, इस वजह से क्योंकि दलहनी फसलों से ही क्या होगा कि भूमि की उर्वरता को हम बढ़ा सकते हैं। तो राइजोबियम लिगोमिनोसेरम का इस्तेमाल जो है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। औषधियों के निर्माण में भी बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखते हैं कि पेनिसिलियम से जो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनाई गई थी वो कैसे बनाई गई थी, इरिथ्रोमाइसिन जो अभी कोरोना के टाइम में या गले के खराश की वजह से या गले के इन्फेक्शन के लिए इरिथ्रोमाइसिन ली जाती है, वो किससे बनाई जाती है, स्ट्रेप्टोकोकस एरिथ्राइसिस से। क्लोरोमाइसिटीन जिसका भी आप नाम जानते होंगे जो अधिकतर टीबी की बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है स्ट्रेप्टोकोकस में, और टेरामाइसिन जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो भी स्ट्रेप्टोकोकस से ही बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हानिकारक जीवाणु कौन से हैं। पौधों के रोगों में अगर हम बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, पोटैटो विल्ट सोडोमोनास सोलिनिएसेरम, सिट्रस कैंकर जैंथोमोनास से होता है, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी इसको याद कर लीजिएगा। फिर टुंडर डिजीज है गेहूं कॉरिनी बैक्टीरियम से। ब्लाइट ऑफ राइस जैंथोमोनास ओराइजी, ओराइजा सेटाइवा उसका नाम होता है, किसका बोटेनिकल नेम है राइस का, तो जैंथोमोनास ओराइजी। फलों में क्राउन गॉल कैसे होता है, एग्रोबैक्टीरियम, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कुछ डिजीजेस के नाम लिखे हैं मगर आपको इसमें से मुझे लगता है ट्यूमिफेसियंस ये आपके इंपॉर्टेंट है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानव रोग में हैजा जिसको हम कॉलरा कहते हैं ये विब्रियो कॉलरेई से होता है, डिप्थीरिया कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कोड माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और प्लेग बैसिलस पेस्टिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो वर्ड यूज किया गया था वो मायर द्वारा किया गया था और मार्सेलो मेल्पी ही द्वारा इस शाखा की स्थापना की गई थी। ऊतक होते क्या है, टिश्यूज आखिर होते क्या है, सेल्स तो आप जानते हैं मगर अगर हम एक ही तरीके के काम करने के लिए सेल्स को हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, जैसे लीवर है, हम कैसे हमारा ऑर्गेनिज्म बना है ये आइए हम एक एक करके समझते हैं। सेल से टीशू से ऑर्गेन और ऑर्गेन से ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करते हैं लीवर की तो लीवर में की ढेर सारी सेल्स मिलकर टीशूज बनाएंगी और टीशूज ही क्या बनाएंगी, वो ऑर्गन बनाएंगी। क्या आप सोच सकते हैं कि जो है लीवर में लंग्स के सेल्स पाए जाएंगे, नहीं, तो एक तरीके के सेल से जो है टीशूज का निर्माण होता है और उन्हीं टीशूज को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। इनका कारण उनका काम क्या होता है, विसरण होता है, श्रावण होता है, अवशोषण होता है, ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे स्थित है। अगर वो इंटेस्टाइन में है तो इनका काम अब्सॉर्प्शन होगा, अगर वो क्या कहते हैं यहां पे है लंग्स में है तो इनका काम विसरण होगा, डिफ्यूजन होगा, एयर्स का डिफ्यूजन होगा। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं कि जो इपिथेलियल सेल्स होते हैं उनको हम कितने प्रकार के होते हैं। तो जो ये सेल्स होते हैं वो पहला होता है इपिथेलियल सेल्स, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यूज, ये टिश्यूज के प्रकार है। टीशूज के प्रकार कितने तरीके के होते हैं, या तो इपिथेलियल होते हैं या तो कनेक्टिव टीशू होते हैं। तो जो त्वचा के बाहर या जो हमारी बाहरी परत होती है वो होती है इपिथेलियल सेल, और जो आपस में जुड़कर सहारा देने का कार्य करते हैं वो कनेक्टिव टीशूज कहलाते हैं, कनेक्टिव टीशूज। और इनके बीच में जो पदार्थ होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, जैसे आपने हड्डियों के बीच में बोन मैरो मैट्रिक्स है, तो ऐसे टीशूज को हम कनेक्टिव टीशू, या ब्लड भी एक तरीके का कनेक्टिव टीशू ही है। संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, संयोजी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, पहला है वास्तविक संयोजी ऊतक, फिर कंकाल ऊतक मतलब जिसमें हमारे जो सेल्स होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं या जिनकी अध्ययन हम ऑस्टियोलॉजी में कहते हैं या बोन्स आते हैं,
बोन्स और कार्टिलेजेस आते हैं, और दूसरा संवहन ऊतक होते हैं जिसमें ब्लड आते हैं जो पूरे बॉडी में एयर का सर्कुलेशन करते हैं। अब हम वास्तविक संयोजी ऊतक को देख लेते हैं कि कैसे होते हैं। एक होता है एरियोलर टिश्यूज और फिर वाइट फाइबर्स और ये पीला तंतु। ये कनेक्टिव टिश्यू है जो जोड़ने का काम करते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एरियोलर टिश्यूज में क्या क्या पाए जाते हैं? फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स और मास्ट सेल्स। ये एरियोलर टिश्यूज के क्या हैं? प्रकार हैं। ये आपको याद करने की आवश्यकता है। और वाइट टिश्यू ये अलीचे जो है ये कोलेजन के बने होते हैं और इसमें मैट्रिक्स पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। आप एरियोलर टिश्यूज में क्या क्या पाए जाते हैं ये आप याद रख लीजिएगा। फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा सेल और मास्ट सेल्स। अब आते हैं श्वेत कण या ल्यूकोसाइट्स में क्या क्या पाए जाते हैं। तो इसमें है लिम्फोसाइट्स पाए जाएंगे, इसनोफिल्स पाए जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स पाए जाएंगे। अब दूसरा है एडिपोस टिश्यूज, तो जिन्हें हम वसा संयोजी ऊतक भी कहते हैं। इनका कार्य, वसा का कार्य क्या होता है? भोजन का संचयन करना होता है, संचित भोजन, भोजन को अपने में संचित करने का कार्य करते हैं। ये ठंड से भी रक्षा करते हैं, बाहरी चोटों से भी अंगों की रक्षा करते हैं। अब व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, समानांतर श्वेत तंतु मैट्रिक्स होते हैं और अत्यधिक मजबूत होते हैं। जैसे टेंडन, आपने सुना होगा टेंडन क्या करते हैं? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन। याद रखिएगा, मांसपेशियों से हड्डियों को जोड़ने का कार्य टेंडन करते हैं। कंकाल ऊतक शरीर को स्ट्रक्चर, एक आकार और सहारा प्रदान करते हैं। कौन? कंकाल ऊतक। और ये कोमल अंगों की रक्षा भी करते हैं। कंकाल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं आइए देखते हैं। पहला है उपास्थि या कार्टिलेजिनस, ये कोलेजन फाइबर से निर्मित होते हैं और मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है और इनकी सेल्स को कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहा जाता है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। अस्थि कोशिकाएं को हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। और अस्थियों में हार्वेसियन कैनाल पाए जाते हैं। ये कुछ फैक्ट होंगे जो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि आप में याद नहीं रहेगा, तो आप दो तीन बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा ये। और मैट्रिक्स में कैल्शियम तथा फास्फोरस पाए जाते हैं, इसी वजह से जिन लोगों की हड्डियां कमजोर होती है उन्हें हम कैल्शियम और फास्फोरस लेने के बारे में कहते हैं। अब आते हैं संवहनी ऊतक जिसमें हम ब्लड आता है। तो ब्लड में क्या क्या होते हैं? पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कणिकाएं। प्लाज्मा में पीला, हल्का पीला रंग का होता है और अल्कलाइन होता है। 7.2 जो है इसका पीएच होता है, याद कर लीजिएगा। इसमें 90% जल होता है, 10% प्रोटीन होता है। और अब कणिकाओं के बारे में बात करते हैं, तो कणिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। आरबीसीज को हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। और कणिकाओं का 99% जो भाग होता है वो आरबीसीज का काम होता, आरबीसीज होते हैं। और ये केवल वर्टिब्रेट्स में आरबीसीज पाए जाते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स इनको कहा जाता है, केवल वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं। आपको इन वर्टिब्रेट्स में आरबीसीज नहीं पाए जाते हैं। और इनका रंग जो लाल होता है वह किसके कारण होता है? वह हीमोग्लोबिन के कारण इनका रंग लाल होता है। आरबीसीज में 96 कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? 96% ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। और 4% लोहा होता है। इसी वजह से जो एनीमिक पर्सन होते हैं उन्हें हम आयरन के सेवन की सलाह देते हैं, क्योंकि आयरन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस वजह से? आयरन से ही जुड़कर ही, आयरन से जुड़कर ही जो ऑक्सीजन होती है वो क्या बनाती है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और वो हमारे शरीर में क्या करेगी? सभी बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट में ऑक्सीजन का जो है को पहुंचा देगी। अब हम बात करते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं की, उन्हें हम डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या 5 से 6 हजार या 5 से 10 हजार तक होती है।
इनको बढ़ने से ल्यूकेमिया हो जाता है, जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। तो और जो है WBC जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये केंद्रक युक्त होती है। ध्यान रखने की बात है कि RBCs में केंद्रक नहीं पाया जाता है और O2 इसका अपवाद है, O2 इसका अपवाद है। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। WBC कितने प्रकार के होते हैं? तो एक है ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स का उदाहरण है न्यूट्रोफिल्स, ये भी एक हिसाब से जो है आपके शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं। इसनोफिल्स, हमने सुना होगा कि अगर श्वसन की बीमारी हो जाती है अस्थमा अस्थमेटिक पेशेंट का, इसनोफिल्स बड़ा होता है। और बेसोफिल्स, इन सभी का काम शरीर को प्रतिरक्षा या इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने का काम करती है। अब हम बात करते हैं जो एग्रेनुलोसाइट्स या जिनमें ग्रेन्यूल्स का अभाव होता है, ये होते हैं बेसिकली लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स। ये दोनों ही एंटीबॉडी का काम करते हैं। अब आगे देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। अभी तक हमने WBCs और RBCs देखा, अब प्लेटलेट्स जो क्रॉपसल्स थे या कणिकाएं थी वो तीन प्रकार की थी। RBCs, WBCs के बारे में हमने पढ़ लिया। WBCs को हमने दो भागों में बांटा, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में हमने इसनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल्स पढ़ा, एग्रेनुलोसाइट्स में हमने लिम्फोसाइट्स पढ़ा और मोनोसाइट्स पढ़ा। अब हम प्लेटलेट्स को पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स में को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये ब्लड के थक्का बनाने में इनका प्रमुख कार्य है, ये ब्लड को थक्का बनाते हैं। और रक्त के क्या कार्य होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। रक्त के कौन कौन से कार्य हैं? रक्त का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर के सभी महत्वपूर्ण भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाना। ऑक्सीजन हमारे जीवन में पाचन से लेकर सभी जरूरी गतिविधियों के लिए बहुत आवश्यक है। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता हर जगह बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो ये ऑक्सीजन का क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ साथ भोजन सामग्री का भी परिवहन करते हैं। ताप का नियंत्रण करते हैं, बॉडी में टेम्परेचर को, या हीमियोस्टेसिस इसको कहा जाता है। ये याद कर लीजिएगा टर्म, हीमियोस्टेसिस। रक्त का थक्का बनाते हैं, अगर कहीं कट जाता है तो रक्त का थक्का बनाते हैं। अगर रक्त का थक्का नहीं बनता है तो हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है, जो कि एक आनुवांशिक या हेरिडिटी बीमारी है। और पैथोलॉजी में रक्त को जमने से बचाने के लिए हम सोडियम या पोटेशियम ऑक्सैलेट का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे शरीर से ब्लड निकालकर पैथोलॉजिस्ट लेकर जाता है उसका उसकी जांच करने के लिए, तो उसमें वो सोडियम ऑक्सैलेट का मिश्रण मिलाता है, जिससे जो है हमारा ब्लड में हमारे ब्लड का थक्का नहीं जमता है। अब देखिए थक्का जमने का क्या प्रोसेस है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन और Ca+2 आयन प्रोथ्रोम्बिन बनाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन ही फाइब्रोनिजिन को जो है बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। ये एक प्री एक्टिव एंजाइम होता है, थोड़ा सा टफ है मगर आप याद रखिएगा कि प्रोथ्रोम्बिन अगर बनेगा तभी ही फाइब्रोनोजिन बनेगा, और फाइब्रोनोजिन ही रक्त रुधिरों का थक्का बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए आगे देखते हैं। ब्लड ग्रुप, हम एक भी ब्लड ग्रुप किसी दूसरे को नहीं चढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है क्योंकि सभी ब्लड ग्रुप अलग अलग किस्म के होते हैं। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की सबसे पहले खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने 1909 में। रक्त का जो विभिन्नता है वो RBC में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से होता है। यही ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जिन्हें एंटीजन कहा जाता है। कि आखिर सभी का ब्लड देखने में तो एक जैसा है किंतु वो क्यों अलग अलग है? तो उसमें जो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा पाया जाता है, जो एक एंटीजन की भांति काम करता है दूसरे की बॉडी में जाकर। तो देख लेते हैं कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए होगा और तो एंटीबॉडी बी होगा, ये याद कर लीजिएगा आपको। और ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा? बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। और ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन उपस्थित होंगे और एंटीबॉडी अनुपस्थित होंगे, और ओ ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित होगा और ए बी दोनों एंटीबॉडी होंगे। तो जिस जहां पे एंटीबॉडी दोनों है वो सबका ब्लड नहीं ले सकता है इसी वजह से, और जिसमें एंटीजन उपस्थित नहीं है तो ये सभी को, ये सर्वग्राही सर्वदाता ग्रुप है, ये सभी को ब्लड दे सकता है। ओ ग्रुप वाला सर्वदाता होता है और ए बी वाला सर्वग्राही होता है।
मतलब यूनिवर्सल रिसेप्टर और ये यूनिवर्सल डोनर है। आइए हम आरएच फैक्टर के बारे में देखते हैं कि आरएच फैक्टर क्या होता है, या ब्लड ग्रुप के बारे में आपने देखा होगा एबी प्लस या एबी निगेटिव या ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव। तो ये निगेटिव क्या है, जो आरएच फैक्टर था उसके बारे में सबसे पहले जो है लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में बताया। यह एक फैक्टर है जो कि रिएसस बंदर में सबसे पहले पाया गया। तो जिन लोगों में यह फैक्टर पाया जाता है उन्हें आरएच पॉजिटिव कहा जाता है, और जिन लोगों में नहीं पाया जाता है वो आरएच निगेटिव कहा जाता है। और हम आपको एक बात बता दें, अगर आरएच पॉजिटिव पिता होगा और आरएच निगेटिव माता होगी तो उसकी पहली संतान तो सामान्य होगी किंतु दूसरी संतान की मृत्यु हो जाएगी। और इस बीमारी को एरेथ्रोब्लास्टोसिस फ्लोटेलिस कहा जाता है, स्पेलिंग गलत है, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फ्लोटेसिस, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस। आगे देखते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, लसिका कहते हैं, आरबीसी और प्लेटलेट्स इसमें अनुपस्थित होते हैं लिम्फ में, सी कैल्शियम और फास्फोरस होता है, और लिम्फ जो है लिम्फोसाइट निर्माण में सहायक होते हैं, और यही जीवाणुओं के भक्षण में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं, या बैक्टीरिया ये सब भी क्या काम करते हैं, हमारे शरीर में एंटीबॉडी या शरीर की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। अब आते हैं मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। तो मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज में पाए जाने वाले मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और मस्कुलर टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं, आरेखित, अनस्टीरिएटेड, स्टीरिएटेड और कार्डियक या हृदय पेशी। अनस्टीरिएटेड का मतलब होता है वॉलेंट्री भी इसको कहा जाता है, वॉलेंट्री मतलब जो अपनी इच्छा से, तो इनका संकुचन अपनी इच्छा से होता है। अनस्टीरिएटेड इनका संकुचन मनुष्य की इच्छा से नहीं होता है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन की जो भी होती है ये मूवमेंट होता है। और कार्डियक मसल्स इनमें दोनों तरीके का मिक्सचर पाया जाता है, किंतु इनका भी जो संकुचन होता है या कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन है वो मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं होता है।